सदन में महागठबंधन विधायक हंगामा कर रहे थे, जो 65% आरक्षण है उस मुद्दे पे इसको संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे थे। तभी नीतीश आरजेडी की महिला विधायक पे भड़क गए रेखा पासवान पे, कहा कि अरे महिला हो, कहाँ से आई हो, कुछ जानती हो। महिला विधायक कह रही है कि उन्होंने पूरे दलित का अपमान किया है, पूरी महिलाओं का अपमान किया है, नीतीश सदन में माफी मांगे। आए दिन वो इससे बात करते हैं, अपने उम्र का ख्याल कर। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब उनको हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि रोने का मन हुआ तो आँख में गरा खरिका। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं सदन में। वो आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप का कोई जवाब नहीं। निश्चित रूप से जो बच्चों के भाग्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे उन पर अंकुश लगेगा और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और दंड भी देना पड़ेगा। ये बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा अच्छा कदम सरकार उठाया। सर, एंटी पेपर लीक लॉ पास हो गया है, आप लोग वॉकआउट कर गए। हमारा उस पर वॉकआउट नहीं था, हमारा था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में, तेजस्वी यादव जी के देख रेख में जो जातीय गणना हुआ था और जो 75% आरक्षण लाया गया था उसको नौवीं अनुसूची में शामिल सरकार करे। अभी आरक्षण विरोधी जो बीजेपी है उसके गोद में जाकर खेल रहे हैं, किलकिला रहे हैं। तो हमारा कहना है कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने जो वादा किया था और आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उसको नौवीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। और जहां तक ये पेपर लीक का मामला है, ये पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है और इसके सरगना सब नालंदा के लोग हैं, नालंदा के से जुड़ा हुआ तार है। आप देख लीजिए कौन डॉन ये सब इंजीनियरिंग में काम कराता था, MBBS में ये करा था और एक मानने अन्य मार्ग में भी वैसे ही लोग बैठते हैं जो पेपर लीक कराने का काम करते हैं। और ये तो बिल लाया गया है जनता को आंख में धूल झोंकने के लिए, ये कम से कम बिल लाए हैं तो ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, जिसको मन करेगा उसको जेल में ठेल देंगे। आप एक अन्य मार्ग में सर मुख्यमंत्री रहते हैं क्या? छोड़ा नहीं यार, कौन रहते हैं नहीं रहते हैं छोड़िए। आज आपकी दलित महिला विधायक और नीतीश ने टिप्पणी की, बहुत नाराज। अच्छा दलित विरोधी जब सरकार है और दलित विरोधी के गोद में जाकर खेल रहे हैं तो उनको तो कुछ करना होगा। हमारे माननीय विधायिका जो मसौड़ी के हैं उनके खिलाफ में गलत टिप्पणी उन्होंने किया, ये महिला विरोधी है इसलिए इस तरह का उन्होंने किया। माँ के रूप में भी महिला है, पत्नी के रूप में भी महिला है, बहन के रूप में भी महिला है और माँ दुर्गे के रूप में भी महिला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी चेत जाइए, महिलाओं पर उंगली उठाइएगा तो बर्बाद हो जाइए। एंटी पेपर लीक लो पारित हुआ, इस पर क्या कहेंगे, कितना लगाम लगेगा पेपर लीक के मामले में? इस पर बहुत लगाम लगेगा। ये जो पेपर लीक हो रहा था उस पर कानून इतना सख्त बनाया गया है ताकि कोई लीक करने के पहले 50 बार सोचेगा जो इसमें इन्वॉल्व है कि इसमें अगर करेंगे फंसेंगे तो बचेंगे नहीं। वो बहुत अच्छा कानून है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में ऐसा कानून आना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में हमारे बिहार के हैं चाहे बाहर के भी लोग बिहार में एग्ज़ाम देते हैं, मेघावी छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ मामला है और पूरे देश के युवा लोग खुश हैं इससे कि भाई इस पर लगाम लगेगा बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश पेपर लीक मामला ये आने इसका तार तो नालंदा से जुड़ा है, सब सरगना वहाँ है और एक अन्य मार्ग में बैठते हैं मुख्यमंत्री आवास में। नहीं नहीं, ये सब बकवास है, एकदम दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए कोई कहीं का रहने वाला हो तो उसको कहाँ कोई बचा रहा है, अगर कोई नालंदा का है भी तो वो भी इस लॉ के अंदर आएगा प्रीव्यू में, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो भी जेल जाएगा। जेल गया है कि नहीं, बचता तो एक बात होती, जहाँ जहाँ पकड़ा रहा है सब जेल जा रहा है, ये सब बकवास, इसमें कोई तथ्यता नहीं है। जिस तरह से आज सदन में महागठबंधन विधायक आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे थे, जेल में हंगामा कर रहे थे, तभी नीतीश जो है आरजेडी की महिला विधायक रेखा पासवान पे भड़क गए। तो वो उनका कहना है कि हमको कहे कि अरे महिला हो, तू जानती हो, कहाँ से आती हो, एक दलित का अपमान है, वो माफी मांगे। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, मैं भी सदन में था, मैं खुद देखा हूँ। महिला को तो महिला ही बोला जाएगा ना, महिला को तो आप पुरुष बोलेंगे नहीं। महिला हो मतलब उनका तात्पर्य ये था कि महिलाओं के उत्थान के लिए जितना कार्य वो किए हैं बिहार में, ये बताना चाह रहे थे कि भाई बहुत बड़ा बड़ा कार्य महिलाओं के उत्थान में हमारे नेता ने किया है, इसलिए वो बोल रहे थे महिला हो।
तुम्हें क्या पता, मतलब तुम्हें क्या पता कि मैं कितना काम किया हूँ महिला, चाहे रिजर्वेशन देखिए पंचायत स्तर पे हो, चाहे जॉब में हो, टीचर्स वाले भर्ती में हो, चाहे पुलिसकर्मी का, हर जगह महिला को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो इसलिए इस उनका तात्पर्य ये था, ये सब कोई ऐसा दलित, ये सब महादलित की बात कोई नहीं किया गया। धन्यवाद।